हेलो दोस्तों, मैं डीआरएक्स संतोष सिंह अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, 22 जनवरी जब अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होगी, भगवान श्री राम अपने घर अयोध्या में विराजमान होंगे, तब प्रत्येक घर में कैसे राम ज्योति जलाई जाएगी, कैसे जलाएं राम ज्योति को भगवान श्री राम का स्वागत करने के लिए, आज हम अपने वीडियो में यह आपको बताएंगे। दोस्तों, राम मंदिर जो कि करीब 500 वर्षों से प्रत्येक हिंदुस्तानी प्रत्येक हिंदू के मन में बसा हुआ था और प्रत्येक हिंदू यह चाहता था कि राम मंदिर अयोध्या में बने और हम अपने रामलला के दर्शन करने के लिए जाएं। शुभ समय अब निकट ही आ गया है। 22 जनवरी 2024 को जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या के भव्य मंदिर में होगी, तब प्रत्येक घर में राम ज्योति जलाई जाएगी, दीपमालाएं सजाई जाएंगी और दीपावली मनाई जाएगी। दोस्तों, राम ज्योति जिसके लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी सभी लोगों से अपील की है कि वे घरों में राम ज्योति अवश्य जलाएं। दोस्तों, राम ज्योति को कैसे जलाएं, कहां जलाएं और कब जलाएं, यह पूरी जानकारी आज हम अपने इस वीडियो में आपको बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में एक बार सच्चे मन से जय सियाराम अवश्य लिख दीजिए। दोस्तों, शुरू करते हैं कि कैसे जलाएं राम ज्योति को और कब जलाएं। दोस्तों, राम ज्योति को आप प्राण प्रतिष्ठा नहीं अपितु जब संध्या काल हो तब ही जलाएं, क्योंकि दीपावली पर जो दीप जलाए जाते हैं वे संध्या काल में ही जलाए जाते हैं और इसका बहुत बड़ा महत्व भी होता है। और दीपावली हम मनाते भी तो इसीलिए हैं, जब अयोध्या में भगवान राम लौट कर आए थे तो अयोध्या वासियों ने दीपमालाएं जलाकर भगवान का स्वागत किया था, जिसे दीपावली बोला गया। दोस्तों, आज यानी कि 22 जनवरी को फिर से दीपावली है, भगवान राम अयोध्या में वापस लौट कर आ रहे हैं, इसलिए संध्या काल में दीपक अवश्य जलाइए। किस धातु का दीपक जलाना चाहिए? तो दोस्तों, वैसे तो सर्व सामान्य लोगों के लिए मिट्टी का दीपक उचित होता है, क्योंकि उसमें ज़्यादा लागत नहीं होती, ज़्यादा खर्चा नहीं होता और मिट्टी सर्वार्थ शुद्ध भी होती है, इसलिए उचित होगा कि मिट्टी का दीपक आप जलाएं। अगर आप धातु का जलाना चाहते हैं तो आप पीतल का, स्वर्ण का, चांदी का, स्टील का, जिसका आपकी इच्छा हो उसका दीपक आप किसी भी धातु का अपने मन से जला सकते हैं। दोस्तों, दीपक जलाने के लिए आपको किस चीज का प्रयोग करना चाहिए? तो आपको साफ सुथरी रुई यानी कि कॉटन का, जिसकी आप बाती बनाएं, इसके अतिरिक्त आप तिल के तेल का अथवा घी का दीपक ही प्रज्वलित कीजिए। कितने दीपक जलाने चाहिए? तो दोस्तों, आपको कम से कम 11 और 11 से लेकर 108 तक, फिर उसके बाद आपकी श्रद्धा है कि आप अपने घर को कितने दीपकों से सजा सकते हैं, कितने दीपक आप प्रज्वलित कर सकते हैं, परंतु कम से कम 11 दीपक आप अवश्य प्रज्वलित कीजिए। इसके अतिरिक्त आप जितने चाहें उतने दीपक आप अपने घर में राम ज्योति के लिए जला सकते हैं, यह अत्यंत ही शुभ होगा। वहीं दोस्तों, आप किस मंत्र का उच्चारण करेंगे, क्योंकि दोस्तों किसी भी दीपक को प्रज्वलित करने के बाद दीपक में साक्षात देवताओं का वास होता है, ऐसा शास्त्र बताते हैं कि जब हम दीपक को प्रज्वलित करते हैं तो उसकी लौ में साक्षात देवता वास करते हैं, जिस देवता का हम आह्वान करते हैं। इसलिए दोस्तों, दीपक जलाने के बाद देवताओं से अपनी सुख समृद्धि की प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। उस समय देवता क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से होते हैं, वे आपकी सहायता अवश्य करते हैं। जब आप सच्चे मन से देवता से आप प्रार्थना करते हैं तो वे आपकी सुनते हैं और आपके सभी बिगड़े हुए कार्यों को बनाने में आपकी सहायता करते हैं। दोस्तों, राम मंदिर जो कि 22 जनवरी 2023 को अयोध्या में राम मंदिर के अंदर भव्य राम प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा होगी, भगवान राम अयोध्या में पधारेंगे, भगवान राम जिनके लिए हम इतने वर्षों से इंतजार कर रहे थे, वे भगवान आज अयोध्या में यानी कि 22 जनवरी को अयोध्या में विराजेंगे। पूरी अयोध्या दीपावली की तरह, दुल्हन की तरह दीपकों से सजा दी जाएगी और सभी भारतवासियों से हमारे प्रधानमंत्री जी ने यह अनुरोध किया है कि वे भी अपने घरों में दीपक जलाकर, राम ज्योति जलाकर भगवान राम की प्रार्थना कीजिए, उनकी पूजा कीजिए, उनका स्वागत कीजिए। दोस्तों,
भगवान राम जिस पर प्रसन्न हो जाते हैं उसके सभी बिगड़े हुए कार्य बन जाते हैं। जिस पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब कोई। इसलिए दोस्तों भगवान राम को मनाने के लिए, उनके स्वागत के लिए इस बार राम ज्योति अपने घर में अवश्य जलाइए। राम ज्योति को जलाते समय किस मंत्र का आपको उपयोग करना है वह मंत्र हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। ध्यान से इस मंत्र को बोलिएगा, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमस्तुते। दोस्तों यह मंत्र जिस देवता के निमित्त या जिस दीपक के सम्मुख आप बोलते हैं तो आपके घर में शुभता आने लगती है, आपके घर में आरोग्य आने लगता है, रोग व्याधियां सभी दूर होने लगती हैं, आपके घर में धन संपत्ति बढ़ने लगती है, माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है आपके घर पर इस मंत्र के प्रभाव से। साथ ही आपके शत्रु स्वतः ही परास्त हो जाते हैं, स्वतः ही नष्ट होने लगते हैं, आपके शत्रुओं की बुद्धि कार्य ही नहीं करती, आपके शत्रु समाप्त होने लगते हैं। दोस्तों धीरे धीरे आपके जीवन से अंधकार समाप्त होने लगता है, आपके घर में खुशहाली आने लगती है। इसलिए दोस्तों इस बार दीपावली के दिन, यानी कि देव दीपावली बोलिए इसे, राम दीपावली बोलिए या दीपावली ही बोलिए, आप जो चाहें वो बोलिए, आप राम ज्योति जलाइए। क्योंकि 22 तारीख 22 जनवरी 2024 को हमारे सबके ईष्ट भगवान श्री राम, प्रभु श्री राम हमारी अयोध्या में विशाल मंदिर में उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी, वे वहां पधारेंगे। भगवान हनुमान जी की कृपा सभी पर बरसे, भगवान श्री राम का आशीर्वाद सबको मिले, ऐसी हमारी इच्छा है। दोस्तों आप राम ज्योति अवश्य जलाइए और साथ ही कमेंट में एक बार जय श्री राम अवश्य लिख दीजिए, हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।